अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। नमस्कार, मैं राहुल हुड्डा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। जिला हापुड़ के हाफिजपुर क्षेत्र से चोरी किए गए 60 सिलेंडरों को नौचंदी पुलिस ने बरामद किया है। पुलिस ने 5 बदमाशों के तमंचे भी बरामद किए हैं। ये बदमाश पहले रैकी करते थे और उसके बाद गैंग बनाकर चोरियों को अंजाम दिया करते थे। सीओ सिविल लाइन हरिमोहन सिंह ने नौचंदी थाने में पत्रकार वार्ता में बताया कि 7 जनवरी को हापुड़ जिले के हाफिजपुर थाना क्षेत्र से भारत पेट्रोलियम कंपनी के 60 गैस सिलेंडर चोरी हुए थे। इस घटना का मुकदमा हाफिजपुर में दर्ज हुआ था। गुरुवार को जब नौचंदी पुलिस को बदमाशों के होने की जानकारी मिली तो पुलिस ने वहां घेराबंदी की और शौकत निवासी न्यू इस्लाम नगर, नदीम निवासी लखकीपुरा, सलीम निवासी शहजाद कॉलोनी, राजू निवासी शासनदार कॉलोनी, सलीम निवासी आम का पेड़ लखीपुरा को गिरफ्तार किया। सीओ का कहना है इनके पास से चोरी किए गए 60 गैस सिलेंडर व 2 तमंचे कारतूस भी बरामद किए गए हैं। पुलिस पूछताछ में राजू उर्फ रियाज ने बताया कि वो आसपास के जिलों में काम के बहाने रैकी करता था और उसके बाद अपने गैंग के साथ चोरियों की घटनाओं को अंजाम दे दिया करता था। आइए जान लेते हैं इस मौके पर क्या कहना है सीओ सिविल लाइन हरिमोहन सिंह का। ये थाना नौचंदी क्षेत्र में आज दिन में करीब 11:15 बजे 60 सिलेंडर भारत गैस कंपनी के बरामद हुए हैं। इन्होंने थाना हाफिजपुर क्षेत्र में 2 दिन पहले इन्होंने वहाँ पर वारदात, और इसमें जो मेन अभियुक्त हैं दोनों, उनकी ये लोग भी जेल जा चुके हैं, बाकी इनसे पूछताछ की जा रही है। कुछ घटना इन्होंने यहाँ नौचंदी क्षेत्र की भी और भी इनसे पूछताछ की जा रही है। चसला भी बरामद हुआ है। हाँ, तमंचे भी बरामद हुए हैं। इस तरीके से इन्होंने लूटने का प्रयास किया था, इन्होंने चोरी किया था थाना हाफिजपुर क्षेत्र में। वहाँ पर गैस गोदाम था, वहाँ पर गाड़ी से गए थे ये लोग और वहाँ पर उन्होंने अंदर कूद करके उनके गैस सिलेंडर, उनके 60 सिलेंडर वहाँ से चुराए थे जिसको हमने बरामद किया है। बाकी गैस सिलेंडर भी बाहर निकाल लिए थे लेकिन लेके जा नहीं पाए थे, और बाकी इनके साथियों की भी तलाश की जा रही है। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहिए फर्स्ट बाइट डॉट टीवी।